को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पिछली बार भी आप लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के झंडा को झुकने नहीं दिया। मजबूती के साथ आप सब लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को चतरा विधानसभा से चुनाव जिताने का काम किया। सत्यनंद भोक्ता जी को आप लोगों ने विजय बनाया, ये मंत्री बने और आज आप लोगों के बीच अपील करने आए हैं कि इस बार भाजपा जो है डर गई है, भाजपा भाग गई और अपने साथी को आगे कर दिया। तो जब भाजपा राष्ट्रीय जनता दल का झंडा नहीं झुका पाई तो ये लोजपा झुका देगा। ये चतरा है चतरा, ये गौर है राष्ट्रीय जनता दल का। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का चाहे कोई आ जाए, हमारे सभी साथी मिलकर के उसका सामना करेंगे और जीतने का काम करेंगे। पार्टी नया है लेकिन उम्मीदवार उनका पुराना है, अब वो चलने वाला उम्मीदवार नहीं है। यहां से हम लोगों ने रश्मि प्रकाश जी को उम्मीदवार बनाया है। इनका उम्र मात्र 26 साल है, पूरे झारखंड में सबसे कोई नौजवान प्रत्याशी अगर है तो रश्मि जी है। तो आप सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके बहन हमारी रश्मि को आप लोग भारी मतों से विजय बनाने का काम कीजिए और लालू जी के विचारधारा को जिंदा रखने का काम कीजिए। मुझे आप सब लोगों पर पूरा विश्वास है और आज रांची से चल करके हम आप लोगों के बीच आए हैं यही अपील करने कि झारखंड में बिहार में दोनों जगह जो है साजिश चलता रहा। ये भाजपा के लोग जो है बड़े बेईमान लोग है भाई, जनता इन लोगों का सरकार नहीं लाती है तो सोचते हैं कि विधायकों में ना खरीद ले। झारखंड में क्या कोशिश किया, विधायकों को खरीदने की कोशिश की, साजिश की, हेमंत सोरेन जी हमारे भाई को जेल भेजने का काम किया, साजिशों का अंबार लगाया, आदिवासी भाई को जेल भेजा। और काहे चाहता था, इसीलिए चाहता था कि झारखंड में भाजपा फिर से सरकार बना ले। बिहार में भी साजिश चला, हम पे मुकदमा, हम पे केस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबको पीछे लगाया। हम लोग तो वहां की सरकार को गिरा दिए थे, लेकिन यहाँ देखो विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया लेकिन कोई काम नहीं आया। लेकिन हमारे चाचा जो है मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला सब वहां। तो आप लोग सब लोग देख रहे, बीजेपी जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, हमारे देश के संविधान को खत्म करना चाहता है। हमारा गंगा जमुनी जो तहजीब है, जो भाईचारा है, अमन शांति चैन को खत्म करना चाहता है, केवल हिंसा की बात करता है, तोड़ने की बात करता है, नकारात्मक काम करता है। हम लोग प्यार बांटने वाले लोग हैं, हम लोग जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं, सबको सम्मान देने का काम करते हैं। हम लोग अमन चैन वाले लोग हैं, वो लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। आज आप सब लोगों से अपील करते हैं कि इस एकता को बनाए रखिए, झारखंड की तरक्की हो, झारखंड के लोगों की तरक्की हो, ये बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, ऐसी सरकार चाहिए, जनता की सरकार चाहिए, इसलिए सामाजिक न्याय वाली सरकार चाहिए। हम लोगों की कोशिश है जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज, जो गरीब परिवार है, वो मुख्य धारा में आए। ये लड़ाई है, इसलिए असल मुद्दा बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, असल मुद्दा जो है पलायन रोकने का है। हम सब लोग चाहते हैं कि पलायन रुके, यहाँ कारखाने लगे, यहाँ उद्योग लगे, ताकि हर एक हाथ जो है लोगों को रोजगार मिले, काम मिले और आर्थिक न्याय लोगों को मिले, सामाजिक न्याय के साथ साथ, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। इसलिए आप चतरा के सभी हमारे मतदाता,
सभी बुजुर्गों का हम यहीं से पैर छूते हैं, माता बहनों को यहीं से प्रणाम करते हैं और नौजवानों को यहीं से गले लगाने का काम हम करते हैं। तो ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन एक बात हम कहेंगे, अगर माननीय मंत्री जी भोक्ता जी से अगर कोई गलती हुई होगी तो तेजस्वी उसके लिए माफी मांगने का काम करता है। कोई नाराजगी मत रखिएगा, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, ये चतरा के साथ साथ झारखंड के साथ साथ संविधान लोकतंत्र गंगा जमुनी तहजीब को बचाने की लड़ाई है। इसलिए आप सब लोगों को एक होकर के जो है लड़ाई लड़ना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान आने वाले 13 तारीख को लालटेन पर बटन दबा करके आपको बहन रश्मि को भारी मतों से जिताने का काम करना है। और आप सब लोग से हम ये कहेंगे, आप लोगों चिंता मत कीजिएगा, व्यक्तिगत तौर पे भी चतरा को देखने का काम तेजस्वी खुद से भी करने का काम करेगा। इसलिए आप सब लोग एक होइए। और हमारे सिमरिया के प्रत्याशी मनोज चंद्रा जी जो है बगल में ही इनका क्षेत्र है, इनको भी भारी मतों से आप लोग जो है विजय बनाने का काम कीजिए। तो बताओ जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। तो चुप 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 चुप, चतरा की जनता बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।